हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पलट तेरा ध्यान किधर है। सत्तर अस्सी के दशक में बॉलीवुड में फैमिली फिल्म्स बननी शुरू हो गई थी, जिनमें बाप बेटे, माँ बेटे, भाई बहन या दो भाइयों के रिश्ते को काफी क्लोजली दिखाया जाता था। ये फिल्में चाहे एक्शन फिल्म्स रही हों, रोमांटिक फिल्म्स रही हों या फिर कॉमेडी फिल्म्स रही हों, लेकिन इन रिश्तों को काफी खूबसूरती के साथ पर्दे पर दिखाया जाता था। अमर अकबर एंथनी, दीवार, अग्निपथ, यादों की बारात, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन फिल्मों की एक खास बात होती थी, इन फिल्मों के चाइल्ड आर्टिस्ट। ये वो वक्त था जब बॉलीवुड में चाइल्ड आर्टिस्ट का जलवा हुआ करता था। इनमें कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट ऐसे भी थे जिनकी पॉपुलैरिटी किसी सुपरस्टार से कम नहीं थी। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही बेहतरीन चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में। अंकल, इसमें हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी का फोटो था, इसलिए मैंने कार्ड क्लिप किया। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर महमूद यानी कि नईम सैयद की। अगर फिर तूने मेरे अखबार को हाथ लगाया तो मैं तेरा भुर्ता बना दूंगा, समझे? करीब 250 फिल्मों में काम कर चुके जूनियर महमूद का जब पीक टाइम चल रहा था, तब वो किसी सुपरस्टार से कम नहीं हुआ करते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब लगभग हर फिल्म में वो किसी न किसी रोल में नजर आते थे। उनका एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के बाद एक्टर कॉमेडियन महमूद ने उन्हें अपना नाम दिया था, तब जाके उनका नाम पड़ा जूनियर महमूद। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। फिल्मों में इनकी एंट्री भी एकदम फिल्मी थी। किसी फिल्म के सेट पर एक बार वो शूटिंग देख रहे थे, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के बार बार रीटेक देने से परेशान होकर भीड़ में खड़ा जूनियर महमूद बोल उठा, इतनी सी लाइन नहीं बोल पा रहा है। ये सुनकर डायरेक्टर ने जूनियर महमूद को अपने पास बुलाया और ये लाइन्स उसे बोलने को कहा। जूनियर महमूद ने ये लाइन्स बहुत ही खूबसूरती के साथ बोला और उनकी फिल्मों में एक्टिंग की गाड़ी निकल पड़ी। गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना। इसके बाद फिल्म ब्रह्मचारी ने उन्हें ऊंचाइयों पर लाके खड़ा कर दिया। उस वक्त मुंबई में 12 इम्पोर्टेड कार हुआ करती थी, उनमें से एक कार जूनियर महमूद की थी। उनकी कुछ पॉपुलर फिल्में थी दो रास्ते, हाथी मेरे साथी, ब्रह्मचारी, हरे रामा हरे कृष्णा, कटी पतंग, आन मिलो सजना, और साथ ही साथ 80s और 90s में उन्होंने जैसी करनी वैसी भरनी और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी जैसी फिल्में भी की। अभी के टाइम में उन्होंने कुछ मराठी फिल्में प्रोड्यूस की है और इक्का दुक्का हिंदी फिल्मों में भी कभी नजर आ जाते हैं। उसमें कोई डायलॉग में सुनाता हूं आपको, ब्रह्मचारी का, अंकल आज की पिकनिक गई, कुछ ऐसी मेरी आवाज आती थी और छोटा सा बच्चा करता था तो लोगों को क्यूट लगता था। इसके बाद हम एक और पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करेंगे जो 70s और 80s की लगभग हर दूसरी फिल्म में नजर आ जाते थे, एंड आई एम श्योर कि आप इन्हें देखेंगे तो पहचान लेंगे। ये क्या कर रहे हैं बेटे? पिस्तौल छुपा रहा हूँ, छोटे ने देख लिया तो मान लेगा। इस चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम है मास्टर बिट्टू उर्फ विशाल देसाई। मास्टर बिट्टू ने अपनी फिल्मी करियर का सफर शुरू किया था 1978 में रिलीज फिल्म पति पत्नी और वो से, जिसके लीड एक्टर थे संजीव कुमार। इनकी डायलॉग डिलीवरी और फेस की मासूमियत जल्दी ही लोगों पर अपना असर दिखाने लगी और देखते ही देखते इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट की दुनिया में अपनी एक खास जगह बना ली। नटवरलाल, याराना, अमर प्रेम, द बर्निंग ट्रेन, नागिन और फकीरा जैसी फिल्मों में इनकी कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखी जा सकती हैं। इन्होंने विरासत और भूतनाथ जैसी फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है। इसके अलावा वो एक बहुत बड़े एंटरटेनमेंट चैनल के क्रिएटिव हेड भी हैं। क्योंकि हम 70s और 80s के दशक के चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें मास्टर अलंकार का नाम आना बहुत जरूरी है। ये वो वक्त था जब बॉलीवुड में चाइल्ड आर्टिस्ट की बहुत डिमांड हुआ करती थी। उस वक्त बॉलीवुड की लगभग सारी फिल्में बचपन से शुरू हुआ करती थी, जिसमें उन्हें गरीब या फिर चोर उचक्का दिखाया जाता था। उन्हीं दिनों बॉलीवुड में एक और चाइल्ड आर्टिस्ट ने दस्तक दिया, जिसका नाम था मास्टर अलंकार उर्फ अलंकार जोशी। इनकी शुरुआत ही अमिताभ बच्चन के बचपन के किरदार को निभाने से हुई, फिल्म थी दीवार। हम भूख परोस करता है, कोई भीख नहीं मांगता, पैसा उठाकर हाथ में दो।
और इसके बाद उनकी काफी डिमांड होने लगी और देखते ही देखते उन्होंने एक से एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे कि ड्रीम गर्ल, सीता और गीता, शोले और डॉन। अलंकार जोशी फेमस टीवी और फिल्मों की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी के भाई हैं, लेकिन एक दिन हर चाइल्ड आर्टिस्ट बड़ा हो जाता है और बॉलीवुड उसे दरकिनार कर देता है। यही हुआ उनके साथ जब 90s आते आते बॉलीवुड ने उन्हें काम देना बंद कर दिया, लेकिन आज के टाइम में वो एक बिजनेस टाइकून कहलाते हैं, उनकी खुद की आईटी है। हमने ज्यादातर देखा है कि एक पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट बड़े होने के बाद कुछ खास काम बॉलीवुड में नहीं कर पाया है। कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट बढ़ती एज के साथ बॉलीवुड में अपनी पकड़ बना पाने में कामयाब नहीं रहे, तो कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट ने अपनी फील्ड चेंज कर ली और बिजनेस टाइकून बन गए। लेकिन अब मैं जिस चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, आपने उन्हें बचपन में भी कई किरदारों में देखा होगा, साथ ही साथ बढ़ती उम्र के साथ आपने उन्हें अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरह के रोल करते भी देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ मास्टर सत्यजीत की। मुझे दिलीप कुमार, जीत कुमार, चन्नी कपूर, राज कपूर, मुझे सबकी नकल करने आती है। अच्छा, हाँ। एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने बहुत सारी पॉपुलर फिल्मों में काम किया, जैसे कि खिलौना, हरे रामा हरे कृष्णा, समाधि, शोर, धर्म करम, चाचा भतीजा एक्सेट्रा। जैसे जैसे ये बड़े हुए, इन्होंने फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट या फिर साइड एक्टर का रोल करना शुरू कर दिया, और एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट इन्होंने अर्जुन, डकैत, खून भरी मांग, त्रिदेव, शोला और शबनम जैसी फिल्में भी की। ये खाना जिस काम से आता है ना, उसके लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तू करेगा ना तो तुझे पता चल जाएगा, हस्तकला यानी हाथ की सफाई। इनकी लास्ट फिल्म थी सनी देओल की घायल वंस अगेन। अब हम बात करेंगे एक और होनहार चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर राजू की, जिनके चेहरे के भोलेपन और मासूमियत ने उन्हें फिल्मों में ब्रेक दिलाया और पहली बार वो नजर आए 1969 में रिलीज्ड फिल्म शर्त में। इस बक्से में मां अन्नपूर्णा का दान है। और उसके बाद ये सिलसिला थमा नहीं और देखते ही देखते उन्होंने दाग, परिचय, अमर प्रेम, अभिमान, चितचोर, खुशबू जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। क्या करना है, क्या करना है? कर लिया। क्या कर लिया? मास्टर राजू भी उन चाइल्ड आर्टिस्ट की गिनती में आते हैं जिन्होंने बड़े होने के बाद भी अपने पांव बॉलीवुड में जमाए रखे और अलग अलग फिल्मों में एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करते रहे। एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट वो नजर आए थे फिल्म अफसाना प्यार का, खुद्दार, दिल जले, साथी और वो सात दिन में। उनकी लास्ट फिल्म थी ब्लैक फ्राइडे। अब बात करेंगे एक फीमेल चाइल्ड आर्टिस्ट की, जो कि 80 के दशक की बहुत सी कामयाब फिल्मों का हिस्सा रही, जिनका नाम था बेबी गुड्डू उर्फ शाहिंदा बेग। इनकी एक खास बात होती थी कि बाकी के चाइल्ड एक्टर्स के रोल के मुकाबले इनका रोल फिल्मों में ज्यादा होता था। इसका एक रीजन ये था कि उन्होंने एक्टर्स के बचपन का किरदार कम निभाया, बल्कि उनकी बेटी या फिर उनकी भतीजी, भांजी, बहन का रोल ज्यादा किया, जिसकी वजह से वो लगभग पूरी फिल्म में नजर आती थी। सिर्फ 3 साल की एज में उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स और टूथपेस्ट के एड्स करने शुरू कर दिए थे। Stop bad breath, fight tooth decay. उनकी शुरुआती फिल्म थी पाप और पुण्य, जो कि रिलीज हुई थी 1984 में। वो सिर्फ दिखने में ही क्यूट नहीं थी, बल्कि उनकी एक्टिंग भी लाजवाब थी। आज का अर्जुन, घर घर की कहानी, अमृत और समंदर जैसी फिल्मों में उनका शानदार अभिनय देखा जा सकता है। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर M.M. बेग की बेटी हैं। उस वक्त के बड़े बड़े मैगजीन्स के कवर पर इनकी फोटो और इनके इंटरव्यूज देखे जा सकते थे। 11 साल की एज के बाद वो फिल्मों से दूर हो गई। बताया जाता है कि इन दिनों वो दुबई एयरलाइंस में जॉब करती है और वहीं अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गई है। बात करते हैं मास्टर रवि, यानी कि रवि ललेचा की, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन की भूमिकाएं कई फिल्मों में निभाई, जैसे कि कूली, देश प्रेम, अमर अकबर एंथनी और शक्ति में। मास्टर रवि ने फिल्मों में डेब्यू किया था 1976 में रिलीज फिल्म फकीरा से
और इसके बाद लगभग वो अलग अलग भाषाओं की 300 फिल्मों में काम कर चुके हैं। एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में इनका एक बड़ा नाम था। इन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जैसे कि मिस्टर नटवरलाल, कर्ज, रॉकी। अपार सफलता के बाद भी बड़े होते होते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। प्रेजेंट टाइम में रवि ललेचा हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में हैं और वहां भी उन्होंने कमाल किया हुआ है। बात करेंगे एक ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट की जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया है, लेकिन कन्नड़ फिल्मों में उन्होंने अपना सिक्का जमाया हुआ था। उनका नाम इस लिस्ट में इसलिए भी है कि भले ही उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन जितनी भी फिल्मों में उन्होंने काम किया है वो जबरदस्त रहे हैं। उनकी एक्टिंग कमाल की रही है, शायद आपको भी याद होगा। सूरज तो सिर्फ दिन में रोशनी देता है, मगर शहर में रात में भी रोशनी होती है। इसके अलावा विश्वात्मा, बेनाम बादशाह और उत्सव जैसी फिल्मों में भी ये नजर आए थे, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली टीवी सीरियल मालगुडी डेज से, जिसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डब किया गया था। नहीं नहीं, तूने पिताजी को बताया ना? अच्छा किया। क्यों सैमुअल? हाँ हाँ, उसके कोट से बदबू आती है। हमारे भगवान के बारे में ऐसी बुरी बातें करने की क्या जरूरत थी? उन्हें इस रोल के लिए 6 इंटरनेशनल अवार्ड, 1 नेशनल अवार्ड और 1 स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 19 साल की एज में उन्होंने एक्टिंग को छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट किया और आज के वक्त में बेंगलोर में वो एक PR कंसल्टेंसी चलाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ 60, 70 और 80 के दशक के चाइल्ड आर्टिस्ट जिन्हें आपने फिल्मों में तो बहुत देखा होगा, लेकिन शायद आप इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते होंगे। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हम 90s और उसके बाद के भी चाइल्ड आर्टिस्ट पर एक एपिसोड बना सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा आप किस चाइल्ड आर्टिस्ट से प्रभावित हुए हैं या फिर आपका फेवरेट चाइल्ड आर्टिस्ट कौन था, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए।